बिना क्रीम, बिना काजू और बिना किसी झंझट और मेहनत के एकदम यूनिक तरीके से बनाएंगे मशरूम मसाला, जिसके सामने नॉनवेज भी फेल है। और आप एक बार इस तरीके से मशरूम मसाला बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि बार बार आप इसी तरीके से बनाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम मशरूम ली हूँ। मशरूम को हम इस तरीके से डब्बे में से निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं मशरूम हमारे काफ़ी अच्छे ताजे और फ्रेश है। तो हम क्या करेंगे, एक टिश्यू पेपर लेंगे और टिश्यू पेपर से इस तरीके से मशरूम को साफ कर लेंगे, जिससे इसके ऊपर लगे जितने भी गंदगी है वो निकल जाएगी। और इस तरीके से आप साफ करेंगे तो मशरूम बहुत ही अच्छे से साफ होते हैं। तो आप अगर मशरूम को साफ करना नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो से मशरूम को किस तरीके से साफ किया जाता है वो भी आराम से सीख सकते हैं। और ये देखिए मशरूम हमारे बहुत ही अच्छे से साफ हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे और इसमें पानी लेंगे और पानी में हम मशरूम डालकर इसे अच्छे से हाथों से इस तरीके से हल्के से हिलाते हुए धो लेंगे। कई बार क्या होता है कि मशरूम हमारे बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं, तो आप क्या कीजिए कि इस तरीके से चाकू या नाइफ लेंगे और मशरूम के पीछे से इस तरीके से हम कट लगा करके इसके ऊपर वाले स्किन या छिलके को निकाल लेंगे। और अब आप देख सकते हैं मशरूम हमारे एकदम वाइट और ताज़े दिख रहे हैं। तो सेम तरीके से हम सारे मशरूम को धो के निकाल लेंगे और अब हम नाइफ या चाकू से इस तरीके से मशरूम को कट कर लेंगे। यहाँ कुछ मशरूम बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। मैं बड़े वाले को 4 टुकड़ों में कट कर रही हूँ और छोटे वाले को हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मशरूम के जो भी भाग या पार्ट आपको काले लगे तो आप चाकू से इसे अच्छे से कट करके निकाल लें। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे मशरूम को अच्छे से काट ली हूँ। और अब हम 4 से 5 प्याज लेंगे। प्याज को यहाँ मैंने पहले ही अच्छे से छील कर धो ली हूँ, जिससे प्याज हमारे बहुत ही अच्छे से साफ हो गए हैं। और अब हम एक नाइफ लेंगे, नाइफ से प्याज को हम हाफ कट करके इस तरीके से इसके पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे प्याज को अच्छे से कट कर ली हूँ। और अब हम ये प्याज को इस तरीके से दबा लेंगे जिससे इसके सारे पत्तियाँ या पेटल्स खुल जाएगी। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पर कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। मशरूम पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं तो हम इसे कढ़ाई में पका रहे हैं, लेकिन अगर आपको और जल्दी और इंस्टेंट बनाना है तो आप इसकी जगह प्रेशर कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम कढ़ाई में 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल से मशरूम मसाला का फ्लेवर बहुत ही अलग और ज़बरदस्त होता है। और अब हम इसमें सारे कटे हुए प्याज डालेंगे और गैस का फ्लेम एकदम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर प्याज डालकर हम इसे अच्छे से इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए भून लेंगे। हाई फ्लेम पे जब आप इस तरीके से प्याज को भूनेंगे तो प्याज हमारे जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और ये अच्छे से पकेंगे। प्याज को हमें फ्राई करना है तो आप इस तरीके से हाई फ्लेम पे ही भूनें, जिससे प्याज हमारे गलेंगे नहीं और अच्छे से गोल्डन या सुनहरा कलर के फ्राई हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं प्याज को हाई फ्लेम पे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और प्याज हमारे बहुत ही बढ़िया से कैरेमल कलर के आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्याज को इस तरीके से ऑयल में से सेपरेट कर देंगे। और अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें मशरूम डालेंगे और अब हम इसमें 1/2 कप बिल्कुल घर का बना ताज़ा फ्रेश दही डालेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप ताजे दही का यूज़ करें, खट्टी दही का यूज़ ज़्यादा ना करें। और अब हम इसमें 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और इसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1/4 चम्मच हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, तीखे के लिए हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे। आप तीखे के लिए लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ मैंने प्याज को ठंडा होने के बाद इसे हल्का दरदरा कूट लिया था और प्याज का बहुत ही बढ़िया दरदरा पेस्ट बनके तैयार हो गया। तो हम इसे मशरूम में डालेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और अब हम इसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल बनाने के लिए बारीक कटा हुआ हरे धनिया की पत्ती डालेंगे। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को स्पैचुला से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और मशरूम हमारे बहुत
बहुत ही अच्छे से फ्लेवरफुल बनेंगे। और इस तरीके से हम इसे मसालों के साथ मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक करके रख देंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर मशरूम के अंदर तक जाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, मशरूम को हम चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं मशरूम हमारे काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। और सेम कढ़ाई को हम एक बार फिर से गर्म होने के लिए रखेंगे और तेल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 टुकड़ा जावित्री का डालेंगे, 1 से 2 दालचीनी डालेंगे और 2 लौंग डालेंगे, 2 तेज़पत्ता डालेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे जिससे मसाले हमारे जले ना। और अब हम मैरिनेट किए हुए मशरूम डालेंगे। मशरूम डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम मशरूम को अच्छे से चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भुनेंगे, जिससे मशरूम हमारे मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से भुनेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और आप देख सकते हैं मशरूम को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और मशरूम हमारा काफ़ी अच्छे से पानी भी रिलीज़ कर दिया है, तो हम इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालकर इसे ढक करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी से ऑयल सेपरेट हो रहा है। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक डालकर हम फिर से अच्छे से मशरूम को चलाते हुए नमक के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं नमक भूल गई थी तो मैं अभी ऐड कर रही हूँ, आप इसमें पहले भी नमक डाल सकते हैं। और अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए और पकने देंगे। और अब आप देख सकते हैं मशरूम से ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो हम इसे फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा मशरूम मसाला बिल्कुल नॉन वेज स्टाइल में बनके तैयार हो गया है। हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए अब हम इसे ढाबा स्टाइल सर्व कर लेते हैं। आप इस तरीके से मशरूम मसाला बनाएंगे तो रेस्टोरेंट और ढाबा के मशरूम भूल जाएंगे। और इसे बनाना जितना ज़्यादा आसान है, खाने में ये कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे नान, कुलचा, पूड़ी, पराठा या फिर प्लेन राइस, जीरा राइस किसी के भी साथ खाए, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। और आप इस तरीके से बनाएंगे तो घर के बच्चे हो या बड़े या आपके मेहमान, ये सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और अगर कोई मशरूम पसंद नहीं करता या नहीं खाता है, आप उसे भी एक बार ये ज़रूर टेस्ट कराएं, उसे भी ये गारंटी है कि बहुत पसंद आएगी और आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। और आप देख सकते हैं मशरूम मसाला हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, तो आप इस तरीके से बनाएं और अपना फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और इस तरीके से मशरूम बनाएं, घर वाले चिकन मटन को भूल जाएंगे। थैंक्स।